नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएससी कोचिंग 24 में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट रिपीट एंड लेक्स के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिउल धारा किस नदी की सहायक है? ऑप्शन सी रावी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन बी लाहौल स्पीति इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा पतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला है, किस नदी पर है? ऑप्शन डी ब्यास इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीरपुर जिले का नदौन कस्बा किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन सी ब्यास इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवालसर की कौन सी झील तैरते टापू के लिए जानी जाती है? ऑप्शन सी कालासर इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से चीन और भारत दोनों के पास है? ऑप्शन बी तेओस्कर इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयान शर्मा जल गम परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन डी सोलन इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से भी मेल जोड़ा ढूंढिए। तो ऑप्शन ए पियुंधार चंबा ये इज़ द राइट आंसर, बाकी जो हैं जाखदार हमीरपुर ज़िले में है, हरिपुरधार सिरमौर ज़िले में है और सांझीधार जो है वो शिमला ज़िले में है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाम सो झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए लाहौल स्पीति इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के विद्वान सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन सी हिसिंडरस इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए कुंजमदरा इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा बैरोकोट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन डी मंडी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी किस पर्वत श्रृंखला में बहती है? ऑप्शन सी चूड़धार इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन सी धौलाधार इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिरमौर को जौनसार से अलग करती है? ऑप्शन ए टोंस इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलह सिंगी धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी हमीरपुर इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंडरा कबार किस नदी घाटी में स्थित है? ऑप्शन बी टोंस इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन कौन सी नदियाँ हिमाचल के पर्वतों से निकलती है? ऑप्शन ए ब्यास राबी और चिनाब, ये तीनों जो हैं वो पर्वतों से निकलती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है? ऑप्शन ए झेलम चिनाब रावी सतलुज, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी पर मोलक संस्पेशन ब्रिज किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शन ए 1878 ईस्वी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस पीने का पानी मुहैया करेगी? ऑप्शन डी दिल्ली इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को कृषि भूमि में भीषण हानि पहुंचने के कारण स्थानीय लोग दुखों की नदी से नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन बी स्वा नदी जो कि ऊना ज़िले में है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सोरंग झील जो है वो चंबा ज़िले में नहीं है, बाकी जो है गढ़ासरू महाकाली पणिमेश ये तीनों जो हैं वो चंबा ज़िले में हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपके नामक स्थान पर सतलुज नदी
किस पर्वत श्रृंखला को विभक्त करती है? ऑप्शन ए जास्कर इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की मुख्य सिंचाई परियोजना सानन परियोजना प्रदेश के कितने भूभाग को सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है? ऑप्शन सी 15,287 हेक्टेयर इज द राइट आंसर। हमारा आज के ट्रांसपोर्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए इनको भी देखते हैं। जोगिंदर नगर से पठानकोट रेल लाइन की पटरी कौन सी है? ऑप्शन सी नैरो गेज इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भुंतर हवाई अड्डा स्थित है? ऑप्शन बी कुल्लू इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC कब बना था? तो ऑप्शन सी वर्ष 1974 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल हाईवे हैं? ऑप्शन बी 15 नेशनल हाईवे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले का बथु पुल कब बना था? ऑप्शन बी वर्ष 1920 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन डी कांगड़ा इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलन जिले में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए जो है वो शिमला में है, ऑप्शन बी कुल्लू में, और ऑप्शन सी जो यहीं कांगड़ा गग्गड़ में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला कालका रेलवे रेल मार्ग का छड़ी द्वारा सर्वे किसने किया था? ऑप्शन डी बालकूराम इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष तैयार हुआ था? ऑप्शन बी वर्ष 1903 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नैरो गेज रेल लाइन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी शिमला इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन सी केवल वन इज द राइट आंसर। कालका रेलवे लाइन का परिचालन जो था वो वर्ष 1906 में शुरू हुआ और 1903 में वो बनकर तैयार हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा घाटी रेल मार्ग मंडी पठानकोट रेल मार्ग में कितने सुरंग हैं? ऑप्शन ए 2 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका शिमला रेल मार्ग की सबसे लंबी सुरंग निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन बी बड़ोग इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो गेज रेल लाइन किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन बी वर्ष 1926 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तार सेवा कब बंद की गई थी? ऑप्शन डी नवंबर 2010 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल पथ परिवहन कॉरपोरेशन द्वारा किस बस अड्डे पर अपना स्टोर मॉल खोला गया है? ऑप्शन बी पालमपुर इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में किराए में कितनी छूट दी जाती है? तो ऑप्शन ए 25% इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज्य के दौरान शिमला में द हिमालयन एडवांटेजर्स दौर द शिमला एडवांटेजर्स नाम से निम्न दो स्थानीय थे? ऑप्शन बी समाचार पत्र इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि HRTC में आने की संभावना है इनमें से, तो इनको ध्यान से पढ़िए। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर। जय हिंद जय भारत।